स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक और दिग्गज कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मार्केट में इस समय एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहां पर कोल इंडिया में बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोल के लिए एक मारामारी यहाँ पर चल रही है। 183.80 रुपये पर थर्सडे को इस स्टॉक में क्लोजिंग जो है वो हमें देखने को मिली। करीबन 3.5% की गिरावट यहाँ पर हमें थर्सडे को देखने को मिल रही है। बात करें एनालिस्ट की कि क्या राय देते जा रहे हैं एनालिस्ट, तो फटाफट से डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। दोस्तों देखिए, इस गिरावट में एनालिस्ट ने सजेशन दिया है कि 90% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन हमें देते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों सेल्स के बारे में आपको पता ही है, इसकी सेल्स में क्वार्टर दर देखिए गिरावट जो है इस क्वार्टर हमें देखने को मिली थी। अदर इनकम टोटल इनकम में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। और देखिए बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी कटौती हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स लगातार प्रमोटर्स के बरकरार हैं, जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बना हुआ है। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इनके चार्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके सामने हमने कोल इंडिया का डेली चार्ट लगाया हुआ है। 183.80 रुपये पर लुढ़कता हुआ ये स्टॉक हमें नज़र आ रहा है। यदि हम इसके हाई की बात करें तो 203 रुपये के करीब ये स्टॉक पहले ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। 203.98 रुपये का अच्छा खासा हाई ये लगा कर आ चुका है और अब धीरे धीरे इस स्टॉक में यहाँ पर गिरावट हमें होती हुई दिख रही है। दोस्तों देखिए, बात करें यहाँ पर आगे की रणनीति की, तो हमारे हिसाब से हम यही बताना चाहेंगे कि अभी इस स्टॉक में हमको फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करके चलनी चाहिए। तो हमारे तरफ से फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल नो है। इस लेवल तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। यदि आपको फ्रेश बाइंग का मौका मिलता है तो हमारे हिसाब से दोस्तों 160 से 165 के करीब आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 165 से 160 रुपये के लेवल पर आप फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन ये इस लेवल पर जहाँ पर अभी खड़ा है, अभी बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं करके चलनी है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर आपके पोर्टफोलियो में शानदार स्टॉक शामिल है तो बिल्कुल इसमें होल्ड करके आपको चलना चाहिए, बिल्कुल भी स्टॉक को सेल ना करें। दोस्तों देखिए, ये गिरावट जो है कोई बड़ी गिरावट इस स्टॉक में नहीं होने वाली है, आपको फिर से एक अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों डरने की इसमें बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, यही रणनीति हमें अपनानी है इस समय कोल इंडिया स्टॉक में। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से जो भी रणनीतियाँ होंगी कोल इंडिया से रिलेटेड हम लाते रहेंगे आपके साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।